कानपुर ब्रेकिंग। यूपी के कानपुर जिले में दरिंदे ने नाबालिग लड़की के साथ रेप जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता अपनी मां के साथ खेत गई थी, तभी गांव के ही एक दरिंदे विवेक ने खेतों में से उसको घसीट लिया और उस मासूम बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की, मगर बच्ची के चिल्लाने पर वो अपनी जान बचाकर भाग निकला। इस घटना के कुछ दिन पहले भी इसी मासूम बच्ची से छेड़छाड़ करता था उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। मामला कानपुर सचेंडी का। प्रकरण के संबंध में क्षेत्राधिकारी ने घटना की दी जानकारी। हम अपनी मम्मी के साथ खेत गए थे चारा लेने, धूप कस के थी तो मम्मी ने बोला यहीं बैठो, हम पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने टाइम विवेक नाम का लड़का आया मेरे गांव से, हमारा हाथ पकड़ के खींच रहा था, हम जबरदस्ती कर रहा था तो हम चिल्ला पड़े तो मेरी मम्मी दौड़ के आई। जब मेरी मम्मी को उसने देखा तो वो मेरा हाथ छोड़ के भाग गया। हमने रो रो के मम्मी से बताया, और इसके पहले 2-3 दिन पहले हमारे साथ, हम लैटरिन गए थे बाहर तो हमारे साथ इसने गलत काम किया था, और हमने कहा था कि हम घर में बताएंगे, तो बोल रहा था अगर तुम घर में बताओगे तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे, अगर अपने भाई को चाहती हो तो किसी से बताना मत, तो हमने डर की वजह से नहीं बताया। पीड़िता थाने आई, उसका बयान लिया गया तो उसने अपने बयान में बताया कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। पीड़िता के बयान के आधार पर इसमें धारा 376 IPC की बढ़ोतरी की जा रही है, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन धाराओं में अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। क्या पहली कदमी में कुछ आरोप लगाया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वादनी ने बताया कि उस समय मेरी बेटी डरी हुई थी, उसने जो मुझे बताया मैंने वो तहरीर में लिखा, परंतु आज बेटी ने रो करके बताया कि नहीं, मेरे साथ गलत काम भी हुआ है, और यह बयान उसने 161 के बयान में भी दिया है। इसके आधार पर धारा 376 IPC की बढ़ोतरी की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है।